वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। पिछले जो वीडियो थे हमने इसमें डिस्कस कर चुके थे बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट सेकंड और केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। और एक केमिस्ट्री का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लेना, वेरी सिंपल, ठीक है। इससे क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसका जो प्रेपरेशन है प्रैक्टिस से अच्छी होती जाती है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत सी बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। इसको करने के बाद हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिजिक्स का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि Cl3 का अणु का आकार क्या होता है, तो वेरी सिंपल, 12th की जो आपकी केमिस्ट्री से वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, 12th की केमिस्ट्री से, वेरी सिंपल, ठीक है। तो किसका आकार क्या होता है ये तो आपको टेबल से याद होगा, आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है NCERT में दिया हुआ है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि NCERT को फॉलो कीजिए, ठीक है। स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आपको किस प्रकार से याद रखना है ये आकार, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप जिम्मर का दो, एम्स का दो, BHU का दो, क्वेश्चन बनता है आकार से और हाइब्रिडेशन से, ठीक है। ये बेसिक कुछ पंडे जो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज होते हैं, ठीक है। तो बताइए 53 में आपने पढ़ चुके हो, 12th पढ़ चुके हो, तभी तो आप ये एग्ज़ाम दोगे। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, टी आकार का, ठीक है, टी आकार हो जाएगा। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम कर लेते इसको। बहुत सारे पूछते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, वो वगैरह कम है, तो आप यूट्यूब में अपनी सेटिंग थोड़ी सी सही कर ले, 480p पे इसको चलने दे, ठीक है, अच्छा दिखेगा आपको भी, ठीक है ना। चलते, जटिल आयन, ठीक है, जटिल आयन ये दिया हुआ है, सिंपल, आपका जो केमिस्ट्री का कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर है, यानी कि पार्ट फर्स्ट का 9th चैप्टर, वहाँ पर जटिल आयन दिए हुए, नामकरण कैसे किया जाता है वहाँ से लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो बताइए क्या है, आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल। अब बताइए इसमें कहाँ दिक्कत आ रही, कितने सिंपल क्वेश्चन है। मैं तो मानता हूँ कि 12th हार्ड है, जबकि एंट्रेंस एग्ज़ाम ईजी है, ठीक है, जिसने 12th में मतलब पास कर लिया तो उसके लिए तो सब ईजी है, क्योंकि 12th ही बहुत हार्ड है। 12th में तो आपको सब्जेक्टिव सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, तो टिक लगाना है ओनली, और क्या, ठीक है, सो समझ के, जिसने रटा होगा तो उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने समझ के पढ़ी है ना, तो उसका तो होने वाला है बहुत कुछ, और फ्यूचर में भी होता रहेगा, ठीक है। चलते आगे, जटिल आयन के मध्य धातु का संग्रहण क्या होगा, ये देश की अनुचुंबकीय आगुण 3.5 से अधिक है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ये एडजस्ट कर लेते, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SP3, ठीक है, क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा SN1 और SN2 वाली अभिक्रिया, दोनों आपको याद होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड के SN2 अभिक्रिया का सही क्रियाशीलता बताइए। ओ, वेरी सिंपल गाइज, आपने SN1 और SN2 ये अभिक्रिया पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ठीक है, और अवश्य पढ़ी होगी, तभी तो आपने 12th पास की है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम बता दो। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो मिथाइल का होगा, ये तो श्योर है, ठीक है, और सबसे कम तृतीय यानी कि टर्टरी का होगा, तो देख लो मिथाइल सबसे ज़्यादा किसमें, ये रहा, बट इसमें आपको मिथाइल ये रहा, इन दोनों में से चूज करना है आपको, इसमें भी क्योंकि तृतीय दोनों पीछे दे दिए, ये जो ऑप्शन दिया है वो बहुत चालाक है एग्जामिनर, ठीक है, यानी कि एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा इनको। अब देख लो मिथाइल का सबसे ज़्यादा आ गया, तृतीय का कम आ गया, अब कंपैरिजन दोनों में करना है, मिथाइल से थोड़ा सा कम किसका होता है, तो वो होता है प्राथमिक का, ठीक है, तो प्राथमिक किस में आ रहा है, मिथाइल से थोड़ा कम, तो ये आ रहा है, तो बी वाले ऑप्शन में हमको मैच करने को मिल गया, यानी कि मिथाइल के उससे कम प्राथमिक, उससे कम द्वितीय, उसके बाद तृतीय, ये रेशियो रहता है, ये क्रियाशीलता का क्रम रहता है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार आप राइट ऑप्शन कर सकते हो, ईजिली आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो कितना ईजी है SN1 2, ये अभिक्रिया है, यहाँ से पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के तो बताना है। चलते आगे, ओ, निम्न कार्बोकार्बन को बढ़ते हुए सही क्रम में लिखना है,
देखिए ये बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम ये बहुत पूछा जाता है, अमली सामर्थ्य का बढ़ता क्रम अमली सामर्थ्य का घटता क्रम है ना, तो थोड़ा सा इनको याद कर लिया करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका रैंक द फ्लोविंग कार्बोकेन ऑर्डर द इंक्रीज स्टेबिलिटी, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम, तो अस्थायित्व का बढ़ता क्रम लिख दो। ये ऑप्शन दिए हुए कैसे देखिए, इसमें जो अस्थायित्व का बढ़ता क्रम है ना, मेरे ख्याल से सबसे स्टेबल तो ये होगा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ए वाला, ठीक है। तो ये अगर आ गया तो सिंपल सी बात है, तीसरा तो ऐसे आ गया, सबसे ज़्यादा ये वाला, सबसे कम ए वाला, तो बीच में सी आ जाएगा। तो किस में दिया हुआ है, ये बी में दिया हुआ है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कितने सिंपल क्वेश्चन है, चलते आगे। निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य यानी कि विच ऑफ द फ्लोमिंग स्टेटमेंट इनकोरेक्ट। केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, S1, S2 ये अभिक्रियाएँ होती है, जिसने पढ़ी उपाय दे में, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो हम कर ही चुके हैं। बता दो कौन जानता है इसके बारे में। ये चार ऑप्शन आपके सामने मैं रख देता हूँ, अब राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। देखो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है वो भी गलत है, कि प्रोटिक विलायगेशन टू अभिक्रम सहायक होता है भी गलत है, और S1 के सहायक होता है भी गलत है। असत्य कथन कौन सा है, निम्न में से कौन सा असत्य है, ठीक है, यानी कि हमको गलत कथन ढूंढना है। देखो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि प्रोलैक्टिक विलायगेशन टू अभिक्रम सहायक होता है, ये भी सही है, ठीक है, और विलायक S11 में भी ये भी सहायक है, यानी कि ये भी राइट है, ठीक है। और ये जो दुर्लभ नाभिक के S12 अभिक्रम सहायक होता है, ये गलत बात है, ठीक है, ये S12 के लिए नहीं होता, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि असत्य यही है। सिंपल, ऊपर देख लिया करो कि ये असत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ठीक है, और बहुत सी बार नहीं है ऐसा भी हो जाता है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट और नोट पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, चलते। और ये S11 SN2 ये बिक्रा याद कर लेना जिन्होंने नहीं किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अम्लता प्रवृत्ति का देखो पूछ लिया, अम्लता की प्रकृति, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अब। दित्ते हेलोइड प्रबल सारे नाभिक रागी के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद देगा, SN1 SN2 या E1 उत्पाद या E2 उत्पाद, बताइए। देखो इसमें ये तो नहीं देगा, इनको छोड़ो, ठीक है, अब इनमें से डिसाइड करो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दित्ते हेलोइड प्रबल सारे नाभिक रागी के साथ, तो नाभिक रागी के साथ E2 देगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंपल, चलते आगे। प्रबल अम्ल HF की उपस्थिति में 0°C पर बेंजीन और प्रोलिन की अभिक्रियता को मुख्य उत्पाद क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से पढ़ लो, फिर आप बोलोगे कि सर पढ़ने नहीं देते, पढ़ लो। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलते आगे। आराम से पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत जल्दी नहीं है हमारे, जल्दी तो यही कि आपके एग्जाम आने वाले, तो थोड़ा सा फिजिक्स को भी देख लेते, ठीक है। निम्न में से कौन सा अभिकारक फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्राय नहीं देता है। देखो बहुत सारी अभिक्रियाएं आपके केमिस्ट्री में दी हुई है 12th में, तो उन सभी को एक बार देख लेना, फ्रिडल क्राफ्ट दी हुई है, कौन से इत्र बनाने में सहायक है ना, बहुत सारी अभिक्रिया मिलेगी, और उनको देख लेना जरूर, उन अभिक्रियाओं को नाम को, ठीक है ना। तो बताइए कि निम्न में से कौन सी अभिकारक फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, बताइए। सिंपल, एनिलिन नहीं देता है, ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कितना सिंपल है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 100% पारा उत्पाद देती है जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ये तो बहुत ही जी है, ये तो ऑलमोस्ट सबको आ गया होगा, आराम से पढ़ लो, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, सब ने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, जिन्होंने ध्यान लगा के पढ़ा होगा, तो सल्पोनीकरण का नाम तो सुना ही होगा, तो बस सुना है तो बता दो राइट ऑप्शन कहाँ है, ये रहा डी में, सल्पोनीकरण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, चलते आगे। थोड़ा सा आगे चलते तो ये हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन,
अगला सवाल है, निम्न में से किस एमिनो एसिड के पक्ष श्रृंखला में एरोमेटिक रिंग होती है? ई स्लैश एस या ट्राई, सिंपल किस में होती है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट, वो लंबा ज़्यादा है। लंबा इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हार्ड है। निम्न में से प्रोटीन में उपस्थित कौन सा एमिनो एसिड निम्न हाइड्रीन या अभिक्रिया कर नीले रंग का सिंपल देता है, नहीं बनता है? पढ़ लिया, राइट ऑप्शन क्या होगा बता दो तो फिर। सिंपल प्रो, ठीक है प्रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कोडोन है, ये बायोलॉजी में भी इंपोर्टेंट है, तो ये तो सभी को आना चाहिए, और जिसको नहीं आए ना अपने आप को चाटा मार लेना, सिंपल सी बात है। ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कोडोन यानी कि वर्ड द इंसुलेशन कोडोन। गाइज मैं आपको फिर रिकमेंड करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, प्रारंभिक कोडोन और अंतिम कोडोन, प्रारंभ करने वाला और ख़त्म करने वाला, ये दो कोडोन है, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और ये रेगुलर 3 साल तक पूछा गया है ये। ठीक है, आरजेएस में बता दो, सिंपल आरंभ कौन करता है? एयूजी। तो इसको कैसे याद रखोगे, आपके एग्ज़ाम कब स्टार्ट होते हैं? अगस्त में, तो ऐसे याद रख लो कि प्रारंभ अगस्त में एयूजी। ठीक है, अगस्त ऐसे याद रख लिया करो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। वैसे एयूजी का मतलब यहाँ अगस्त नहीं है, ठीक है, एयूजी का मतलब यहाँ कोडोन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अंतिम भी आप याद रख लो कि ख़त्म कौन करता है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपसे पूछा जाता है प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, चलते आगे। फिनोल किस यौगिक से क्रिया के बाद बेकलाइड बनाता है? यानी कि जिनको पता होगा फिनोल वाली अभिक्रिया तो वो तो इसको ईजिली कर देगा। ठीक है, बट जिनको पता होगा वही करेगा ना, तो आपने पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा राइट ऑप्शन, ये पहला वाला हो जाएगा, SCCO3 यानी। ठीक है, चलते आगे। कितने इजी क्वेश्चन है आप बताओ, आप बोलते हो कि हार्ड है हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, पढ़ोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ हार्ड है। देखो, 3 आवेश आपके सामने दिए हुए, ए भुजा वाले संभव त्रिभुज के शीर्ष पर रखते निकाय का द्विध्रुवीय आघूर्ण होगा, बता दो द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इजीली आप पढ़ के आंसर दे सकते हो। आई होप आपने कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि टोकन ए और बी, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, पढ़ के आंसर इसको देना है आपका। जिनके आवेश क्रमश 8×10^1 से कुलाम और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूसरी पर आवेश को कहाँ रखा जाना है कि अनुभव न हो, जीरो पूछ रहा है ये, जीरो मतलब बिल्कुल भी अनुभव नहीं होना चाहिए, इसको फील नहीं होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसको तो रखा जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, 20 सेंटीमीटर से बाईं ओर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर बी के बाईं ओर। ठीक है, तो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान एम और आवेश क्यू वाले एक स्त्री इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में त्वरित किया जाता है, तो दूरी तय करने में प्राप्त किया गया वेग है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन चूज कर लो, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आई होप आपने चूज कर ही लिया होगा ना, इतने टाइम हो गया, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब बताओ इतने इजी क्वेश्चन है, कहाँ दिक्कत आ रही है? बट इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड आपको याद नहीं करने, आपको केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, बिल्कुल भी फिक्र ना करो, अभी आपका फॉर्म भी नहीं भरे, अभी तो टाइम है आपके पास, और इन टाइम का यूज अच्छी तरीके से करो ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है ना, तो लाइफ टाइम तो क्या, 4 साल के लिए कॉलेज में रहोगे आप, उसके बाद जॉब भी करोगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक आईडी भी आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और MCQs भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमारा पार्ट टू कम्प्लीट है, पार्ट फर्स्ट नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो, नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल को लेकर कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, फॉर्म अभी नहीं आए, किसी के भी नहीं आए, जब भी आएंगे आपको मिल जाएगी साइंस एम के चैनल पर। ठीक है, तो कमेंट कीजिए
और उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे मिलके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए।